नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही आषाढ़ में आने वाले कई व्रत त्योहार भी शुरू हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के बारे में। इस बार ये दिन 5 जुलाई को पड़ रहा है। बता दें कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनको अक्षत, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी करते हैं और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी तिथि, पारण समय और व्रत के महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई दिन रविवार को शाम को 7:55 से हो रहा है, जिसका समापन 5 जुलाई को रात 10:30 पर होगा। एकादशी की उदया तिथि 5 जुलाई को प्राप्त हो रही है, इसलिए योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी का पारण समय। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत का पालन करेंगे उनको अगले दिन 6 जुलाई मंगलवार को पारण करना है, यानी व्रत खोलना है। उस दिन प्रातः 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण कर देना है। पारण में इस बात का ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व तक पारण कर लें। द्वादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 1:02 पर हो रहा है। अब आपको बताते हैं इसका महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग या कोढ़ से मुक्ति मिलती है। अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद उनके चरणों में स्थान मिलता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और सुबह उठकर स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की पूजा करने से भी श्री हरि की कृपा को पाया जा सकता है। एकादशी तिथि के दिन चावल ना खाएं। आज के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।